जी दोस्तों, वो लव बर्ड बैठे हुए हैं और मैं ये लव बर्ड के लिए कौन से गिफ्ट लेके आया हूँ, ये देखें। अभी इनको मैं डालूंगा, आपको दिखाऊंगा। ये बैठे हुए हैं मेरे पास लव बर्ड। ये अभी भी लड़ते हैं दोस्तों एक दूसरे, क्योंकि कॉलोनी कम है। अभी कुछ केज के अंदर भी मौजूद है, ये देखें। अभी इनके लिए मैं ये घोंसला नेस्टिंग मटेरियल हूँ ये डाल लूंगा। ये बात आसानी से लेके जाएंगे, फिर घोंसला बनाएंगे। मैं इनको डाल दिया, ये देखें। अभी ये ऊपर चुप के बैठ गए, ये देखें। ये लगते मुझे काफी प्यारे हैं, लेकिन अभी तक मेरे पास ब्रीड नहीं है। जो ही ब्रीड होगी तो मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, आपके बर्ड्स भी ठीक होंगे इंशाल्लाह। मैं आज एक न्यू वीडियो के साथ पेश हूँ अभी आपके सामने। आपको आज काफी दोस्तों ने कहा कि रिंग नेक अपने दिखाए, मैं रिंग नेक आपको दिखाऊंगा। मैंने सेल कर दिया, दोबारा मैं लेके आया हूँ, उन्हीं से दोबारा मैं लेके आया हूँ। क्या करते हैं यार, रिंग नेक बगैर भी गुजारा नहीं था, बहुत अच्छे लगते थे मुझे। काफी दिन हो गए थे मैंने उनकी वीडियो भी आपके साथ भी शेयर नहीं की थी। आज सोच रहा था कि आपके साथ जो रिंग नेक की कलोनी शेयर की जाए, उनको कुछ ना कुछ खिलाया जाए आज भी। तो आज भी मैं लेके आया हूँ, लेकिन मुझसे थोड़े डर रहे हैं। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, वो वहाँ बैठे हुए हैं अंदर। अभी कुछ डालेंगे इनको तो ये दोबारा वापस इनको टेम करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूँ वो हमेशा नोटिफिकेशन के जरिए आपके पास पहुँच। चलिए व्लॉग को शुरू करते हैं सर। ये देख दोस्तों, ये वाली डव तो तकरीबन 8 दिन हो गए हैं बैठी हुई है, ये छोड़ी नहीं रही। देखो ये देखें, मेरे ख्याल में इसके बच्चे निकलने वाले होंगे अब। ये देखें, ये अभी भी बैठी हुई है। ये देखें, ये उठ गई है अभी। ये देखें, मेरे ख्याल में एक अंडा टूटा हुआ है या बच्चा निकला हुआ है, नजर ही नहीं आ रहा। मेरे ख्याल एक बच्चा निकला हुआ है दोस्तों, ये देखें एक बच्चा इसका निकल चुका है अंडे से। अभी मैं इसको कोशिश करता हूँ उठा के दिखाता हूँ आपको। ये देखें, अभी मैं उठाता हूँ, बिल्कुल छोटा सा बच्चा है दोस्तों। ये देखें, क्यूट सा बच्चा निकल आया है। ये देखें, बिल्कुल छोटा सा बच्चा निकल आया है दोस्तों। अभी मैं ये दोबारा इसको रख देता हूँ, सर्दी है ताकि इसके ऊपर दोबारा फीमेल बैठ जाए। ये देखें, एक एग्स पड़ा हुआ है, एक बच्चा निकल रहा है। ये देखें, ये बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहा इसको, जिस घोंसला है इसके ऊपर वहां पे। अब देखिए वहां पे घोंसला बना हुआ है, ऊपर नजर ही नहीं आता। ये अगर जूम किया जाए तो फिर थोड़ा बहुत नजर आता है। ये देखें, अभी दूसरा घोंसला आपको दिखाता हूँ, वो वाला, वो फीमेल बैठ जा रही है। ये देखें ऊपर बैठी हुई है, ये लाल घोंसले के अंदर। इसमें भी अंडे पड़े हुए थे, अभी बच्चे नहीं निकले इसके मेरे ख्याल में दोस्तों। मेरा ये वाला मुर्गा है बड़ा खतरनाक मुर्गा है, इसे मैंने अलहदा इसलिए किया हुआ है, ये जो बच्चे निकले हुए थे मुर्गियों को, ये उनको काटता था। ये देखें, ये मुझे भी काटने लगता है, ये नीचे चला गया है। ये देखें, ये काफी खतरनाक है, इसलिए मैंने इसको अलग-अलग केज में रखा हुआ था अभी भी। ये देखें, ये देखें दोस्तों किस तरह हाथ काटने लगता है। ये देखें, ये देखें दोस्तों, ये अभी भी खतरनाक है। इसको मैं दोबारा बंद कर देता हूँ, ये काटने लगेगा अभी वैसे भाई। ये देखें, जाली के अंदर भी काटता है सबको। ये मैंने हाथ जिस तरफ हाथ कर रहा हूँ उसी तरफ ये काटना शुरू कर रहा है। इसको रहने देते हैं, ये बड़ा खतरनाक है, इसलिए मैंने इसको अलग इसके के अंदर डाला हुआ। ये जो ही मुर्गी का बच्चा निकलता है तो ये उसको मार देता है। दोस्तों मैं काले चने अपने बर्ड्स के लिए लेके जा रहा था रिंग नेक के लिए, लेकिन ये मेरे साथ आ चुके हैं, ये कॉकटेल, ये भी काले चने खाते हैं, सोचा इनको भी कुछ डाल दें।
अभी मैं इनको डालता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये आना शुरू हो गया है कपड़े से देख कर। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, तीन आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे। काकटेल ये खाते हैं, ये देखें ये आ गया काकटेल, ये अभी खाना शुरू करेगा। ये देखें दोस्तों, ये किस तरह एक काकटेल खा भी रहा है, देखिए बड़ी तेजी से खा रहा है ये देखें। और ये ऊपर बैठे हुए, ये देखें बड़ी तेजी से खा रहा है, लगता है इसे एक भूख लगी थी यार। पता नहीं चलता इनमें मेल फीमेल का, मुझे लगता है तीन मेल है, तो एक ये मेल है, दो ऊपर मेल बैठे हुए वो भी मेल है, ये देखें तीन से चार मेल है, और एक मुझे मेरे ख्याल में फीमेल है ये वाली। कभी कभी मुझे ये भी मेल लगता है, ये देखें बड़ी फ्लाइंग कर रही हैं डाव मेरी आज तो, धूप भी लगवा रही थी ये देखें। जी दोस्तों मैं आ चुका हूँ रेंगने की कॉलोनी में, ये देखें ये किस तरह लग रहे हैं, ये आ गया एक, और ये दूसरा मेल साथ में बैठा हुआ, ये देखें जी दोस्तों मैं अपने रेंग नेक वापस लेके आया हूँ। माशाल्लाह से ये देखिए ये फीमेल की अभी भी जो एम है, लेकिन अभी डरे हुए हैं काफी, ये नीचे नहीं आ रहे, इनका डर खत्म होगा फिर ये फिर नीचे आएंगे। ये देखें अभी आ ही नहीं रहे, डरे हुए हैं, ये दोबारा मैं इनको पकड़ ना लूँ। ये देखें ये फीमेल, ये पेयर आ गया, ये देखें स्टार्टिंग करते हुए पेयर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अभी और भी आएंगे। ये देख ये वाले पेयर बहुत अच्छा पेयर है, ये आएंगे नीचे, अभी डरे हुए हैं ऊपर बैठे हुए, ये देखो ये सारे अभी डरे हुए हैं। अभी मैं थोड़ी दूर जाता हूँ फिर तो, इसलिए मैं इनको पकड़ा था इसलिए ये डर गए हैं माशाल्लाह से। अभी ये देखो ये मेल आ गए, ये अभी नीचे आएंगे, मैं पीछे की तरफ जाता हूँ आपके पास। जी दोस्तों आज मैं अपने मुर्गियों और कुछ परिंदे उनको कबूतरों को मैं वैक्सीन करने जा रहा हूँ, कि मैं वैक्सीन लेके आया हूँ। ये देखें अभी मैं आपको दिखाऊं, रानी खेत की वैक्सीन है, ये देखें ये वैक्सीन, अभी मैं आपको यह दिखाता हूँ यहाँ से, कैमरा फोकस करे तो ये देखें ये वैक्सीन एक ही यूज़ करूँगा, क्योंकि यहाँ लिखा है 200 परिंदों के लिए, ये खुराक ये मैं अभी यूज़ करूँगा। ये आपको मार्केट से आसानी से मिल जाएगी, लेकिन ये तो गवर्नमेंट से मिली है जी दोस्तों। ये देखें ये वैक्सीन है, ये आज मैं सिर्फ एक ही करूंगा ये वाली वैक्सीन, ये एक महीने बाद ही, ये एक एक महीने बाद ही हो जाए वैक्सीन। ये देखें जो चूजे मर रहे थे, खासतौर पर गेनाफॉल जो रानी खेत वगैरह से मर जाते हैं, तो उनके लिए ये। जी दोस्तों मैं इसको पानी के अंदर बना लेता हूँ, ये एक लीटर पानी ये देखें ये मैं लेके आया हूँ बोतल के अंदर, इससे बोतल से अंदाजा हो जाता है एक लीटर डेढ़ लीटर। ये देखें ये मैंने पहले मुर्गियों को तकरीबन रात को पानी निकाल दिया था, अभी ये प्यासी है इसलिए मैं इनको डाल देता हूँ। ये देखें इसको मैं खोल के, इसके अंदर एक टैबलेट नुमा बनी होती है, तो
इसको पानी के अंदर घोलना पड़ता है, घोल के पहले इसको पिलाना पड़ता है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसको, ये देखें इसके ऊपर कार्बन का एक ढक्कन होता है, ये देखें यहाँ पे ये वाला, इसको उतारना बाहर फेंकिए तो इसके अंदर टैबलेट नुमा बनी होती है, इसके अंदर मैं पानी डालूंगा तो ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी पानी में। फिर इसको ज़्यादा पानी के अंदर मिक्स कर दूंगा, इसके अंदर चलेगी बोतल। ये देखें ये मिक्स हो गई है, अब मैं मुर्गियों को पिला दूंगा। तमाम मुर्गियों को, उधर मेरे फैंसी भी पड़ी हुई है, उनको भी पिलाऊंगा मैं। ये देखें अभी इनका जो बर्तन है उसके अंदर मैं डालूंगा तो ये पीना शुरू करेंगे। ये आ गया, ये अभी पी लेंगे सारे। ये देखिए एक प्यार ये होगा, एक प्यार और भी है, बाकी मेरे पास देसी। ये देखिए अभी सारी नीचे आ जाएंगी, अभी पीने लगेंगी। देखें ये देखें ये किस तरह आ रही है। ये देखिए वैक्सीन पी रही है सारी। तो दूसरी जो वैक्सीन है मैं एक महीना बाद दोबारा करूंगा इनको। जी दोस्तों आपको मेरी वीडियो किस तरह लगी है? माशाल्लाह से मैं अपने जो बर्ड्स हैं उनको वैक्सीन भी कर दिए। ये देखें रिंग नेक को भी मैंने काफी अच्छी फीड डाल दी है। ये मैं काले चने इसलिए खिला रहा था कि इनका ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है, तो अगर आप काले चने ज़्यादा खिलाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छी ब्रीड भी करेंगे, और अगर आप ब्रीड नहीं कर रहे तो जल्दी ब्रीड पे आएंगे। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूँ वो हमेशा नोटिफिकेशन के जरिए आपके पास पहुँचे। बस दो में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।